हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा मंडल सर एंड आज हम लोग बहुत ही सिंपल ट्रिक समझने वाले हैं। आप सभी ने क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में तीन फॉर्मूला पढ़े रहेंगे, जिसमें से फर्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हियर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड हियर के क्यू अपॉन आर। तो मैं आपको इन तीनों फॉर्मूला का छोटा सा ट्रिक में बताने जा रहा हूँ। तो सभी को फोर्स का फॉर्मूला पता रहेगा, क्या है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो ना, तो यहाँ से एक क्यू को गायब कर दो, तो के क्यू स्क्वायर में से एक क्यू गायब हो गया, तो क्या बचा क्यू, डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज। अभी आपको पोटेंशियल लिखते समय क्या करना है पता है, क्यू को गायब किया, अभी एक आर को भी गायब कर दो, तो हो जाएगा के क्यू अपन आर। सिंपल मतलब ये है कि एक बार यहां से क्यू हटाना है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, एंड एक बार क्यू के साथ अगर आप आर भी हटा रहे हो तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। एंड ये तीनों फॉर्मूला की बेस्ट बात ये है कि तीनों का ग्राफिकल नेचर अगर हम देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तीनों का नेचर एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं फोर्स वर्सेस आर, यहाँ पे बताऊं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर एंड यहाँ पे पोटेंशियल वर्सेस आर, ये तीनों का ग्राफिकल नेचर सेम है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ओके, सो एफ अपॉन आर स्क्वायर का आपका रिलेशन ये हो जाएगा, ई अपॉन आर स्क्वायर का ये हो जाएगा एंड वी अपॉन आर का आपका रिलेशन ये हो जाएगा। तो तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ऑलमोस्ट सेम एंड फॉर्मूला का ट्रिक क्या है, फोर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यू हटाना है, न्यूमरेटर में से एक टर्म हटाना है एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में से भी आपको आर हटाना है। सो दिस वॉज द ट्रिक एंड लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट ऑल्सो, फोर्स न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम और समटाइम्स वोल्ट पर मीटर। वाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्टेज अपॉन लेंथ एंड पोटेंशियल का तो वोल्ट। थैंक यू सो मच।